हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। गाइस, आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ स्टेप से डार्क ब्राउन टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फ़ोटो इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +41 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम -20 एंड नेक्स्ट आते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कर देंगे हम -7 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम +30 एंड नेक्स्ट आते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की उलेगी जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड नेक्स्ट आते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस क्यों लिख जाएंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -66 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -23 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट आते हैं लाइट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12 एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ब्लैक की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके आएंगे, तो इसे करते हैं -18 एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +29 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। ठीक है, तो इसे रखते हैं +14 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को माइनस की उलिख जाएंगे। तो विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45 एंड यहाँ से मीट फंड की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीट फंड की वैल्यू को अपने फोटो सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से करूँगा +30 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70। अब हमारी फोटो को हम साइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो इसके लिए जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 20 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, तो इसे रखते हैं +19 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ स्टेप से। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड शिफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। Yeah, my dream, but I just wanna